गुड मॉर्निंग भैया बहन, आज हम आपको कक्षा अष्टम का पाठ एक भारतीय संविधान के बारे में बताएंगे। किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। संविधान के उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसे हम अपने देश की अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान ही करता है। लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता अनुसार संविधान की आवश्यकता पड़ती है। लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता अनुसार निम्नलिखित कारणों से हम पढ़ते हैं। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसे हम अपने देश को अपनी इच्छा एवं सपनों के अनुसार रच सकें। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान ही करता है। संविधान ये निश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे समूह पर अपनी ताकत का उपयोग न करे। संविधान में ऐसे नियमों को तय किया जाता है जिससे कि देश की राजनेता अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न कर सके। संविधान एक ऐसी डोर है जो पूरे देश को एक साथ जोड़ती है। गरीब अमीर सबके लिए समान है। समान संविधान है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, जिससे किसी जिसकी जैसी मर्जी होती है वो वैसा करता है। ताकतवर गरीब को सताता है और चोर को चोरी करने से डर नहीं लगता और पूरा देश अव्यवस्थित हो जाता है। इसी अध्याय में हम आज संविधान के आगे वर्णन करने के लिए मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से संबंधित अपनी बात शुरू करते हैं। हम में से ज़्यादातर बच्चों ने खेल के बारे में फुटबॉल खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा और बहुत सोने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का नियम होता है कि गोल कीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाहर से नहीं छू सकता। अगर खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो उसे फाउल या गलत माना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों में भी कुछ नियम होते हैं। इस नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इस खेलों की तरह ही हर समाज के कुछ मूलभूत नियम होते हैं, उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है। अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कोई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आम तौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे ही संविधान कहा जाता है। पिछले कक्षा में भी हम पढ़ चुके थे, 6th और 7th क्लास में भी हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पाठ्य पुस्तक में भी हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ चुके थे कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, संविधान कैसे लिखा गया, किसने लिखा था। इसी अध्याय और इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। भारतीय लोकतंत्र के लिए संविधान की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस पुस्तक के अध्याय में हम कुछ बातों पर इसमें विशेष जोर दिया गया है कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है, लेकिन आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिस देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होते हैं। संविधान कई उद्देश्य की पूर्ति करता है। पहला तो वह दस्तावेज उन आदेशों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश के भीतर आम तौर पर रचे जाते हैं। यानी संविधान ये बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। देश के भीतर आम तौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों को भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिससे हमें पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की, पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को ही लेकर बनने वाली इस स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तेज हो गई थी, लेकिन दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया।
संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें जो चित्र नंबर 1 में दिखाया गया है कि उसमें जो सदस्य बैठे हुए हैं उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें संबोधित कर रहे हैं। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। 1950 की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों की आखिरकार अपनी नीति और भविष्य तय करने के एक नया मौका मिला। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में हम इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। इसमें एक चित्र बना हुआ है, उसमें संविधान सभा के सदस्य बैठे हुए हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी में जब नेपाल में लोकतंत्र के लिए जनसंघर्ष हो गया था, 1990 के संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2000 के मेवा राजा ज्ञानेन्द्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के प्रति प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2015 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किया। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र को अमन चैन बहाल होने को उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा था ये जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा को ओर से दी गई छोटी छोटी रियासतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन को दृश्य ऊपर के चित्रों में जो दिए गए उनके माध्यम से हम आप सभी भैया बहन देख सकते हैं। नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों बनाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर जन आंदोलन और माओवादियों ने उनको हमेशा के अनेक संगठन बनाकर उनको घेर लिया था। और इसका अगला भाग हम भाग 2 में पढ़ेंगे।